चलेगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें आपके फॉर्मूलेस और आपको इक्वेशन इक्वेट कितनी करनी आती है वो टेस्ट हो रहा है, बाकी ज्यादा मुश्किल नहीं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल एंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, ये होता है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर में चारों साइडें बराबर होती है तो चारों साइडों की लेंथ 4a, ये दोनों लिखा हुआ इक्वल है। तो हम पहले यहाँ से r की वैल्यू अगर हम निकाल लें तो क्या आएगा, 4a बाई 2π और कटेगा 2a बाई पाई, तो r की वैल्यू आ गई 2a बाई पाई, ये हमारी r की वैल्यू आ गई। अब हमें बताना है कि एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्क्वायर में क्या मतलब कैसी कंडीशन बनेगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर सर्कल निकाल लेते हैं पहले, तो पाई और r की वैल्यू ये रही पाई आर स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर नीचे पाई स्क्वायर, तो एक पाई से एक पाई कटा, तो हमारा एरिया ऑफ सर्कल आ गया 4a स्क्वायर बाई पाई, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर। तो अब बताओ इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, तो मुझे साफ दिख रहा है कि एरिया ऑफ सर्कल बड़ा दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है। दैट्स इट।